कटनी में नगर निगम चुनाव के लिए पिछड़ा व अनारक्षित वार्डों में आज नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया शुरू हुई। नए सिरे से हुए महिला आरक्षण ने कई वार्डों के समीकरण बदल दिए। ओबीसी मुक्त और अनारक्षित वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने से नेताओं को कहीं मायूसी हाथ लगी तो कहीं खुशी देखी गई। कांग्रेस ने आरक्षण प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि समूची प्रक्रिया को सत्ता के दबाव में नियम विरुद्ध संचालित किया गया और इस मसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है, जबकि आरक्षण प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए नियुक्त किए गए सहायक विहित अधिकारी बलवीर रमन का कहना है कि शासन के निर्देश पर महिला आरक्षण में सुधार के लिए दोबारा आरक्षण प्रक्रिया की कार्रवाई की गई है। निगम कटनी के वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया 31 जुलाई 2020 को पूरी हो चुकी थी, वो पूर्णतः विधि सम्मत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संभावित हार से बौखला कर चैलेंज किया और राज्य सरकार से कलेक्टर पर दबाव दिलवाया कि उन्हें आरक्षण किया जाए। आज उन्हें आरक्षण की कार्यवाही में लॉटरी निकालने की कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो आपत्तियां कांग्रेस के लोगों ने लगाई थी उन आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया गया और मनमाने ढंग से आज आरक्षण की कार्यवाही की गई है और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लोकतंत्र की हत्या की गई है। आज नगरीय निकाय के चुनाव से पहले आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की गई और इसमें जो निर्देश है निर्देशानुसार इसमें निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई चक्रानुक्रम का पालन करते हुए और 50% महिला आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए समस्त कार्रवाइयां समयानुसार और नियमानुसार संपादित की गई।